लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया, राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है, भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए, शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में, बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए हों, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात हैं वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है, कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मामीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उसपे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए थी। कलम नवादा गए, जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जातपात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर, टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार रह रहा है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें, और उसमें आपको लागत क्या लगानी है? केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन गुजर बसर कैसे होगा, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना।